हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास सबकी चहीता सीरियल यह मोहब्बतें की रिव्यू देने वाली हूँ। ये सीरियल काफ़ी टाइम पहले आया था और बहुत ही लंबा चला था। आपको ये हॉटस्टार पर मिल जाएंगे। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी के सफ़र कहते हैं। तो ये है इशिका, जो कि एक डेंटिस्ट है, और जो हमारा हीरो है वो है रमन। रमन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरी तरफ इसी का जो है वो एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। इसी का की भी शादी नहीं हो रही है, काफ़ी एज हो गई है। दूसरी तरफ रमन की दो बच्चे हैं, एक आदि और एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची रूही। लेकिन उसकी जो वाइफ है उस शगुन, वो उसको छोड़कर चला गया था दूसरे एक आदमी के पास, मतलब जब रमन के ही बॉस थे। तब रमन बहुत गरीब था और रमन को छोड़ कर वो चला गया था। फिर उसके बाद रमन इसको चैलेंज भी ले लिया और वो भी अमीर हो गया। ठीक है, तो अब बात यह है कि वो रूही से बहुत चिढ़ता है और ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी कोई मम्मी नहीं है। रूही वो बहुत परेशान है और ये दोनों कोइंसिडेंटली नेबर बनते हैं। और नेबर बनने के बाद जो है इसी का बहुत क्लोज़ हो जाती है रूही की, फिर रूही की क्लोज़ होती है। लेकिन रमन से इसका बहुत ही झगड़ा चलता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा। लेकिन जब शगुन रूही को कस्टडी लेने के लिए कोशिश करती है, तब लॉयर कहते हैं कि एक ही रास्ता है कि अगर रमन शादी कर ले। और शादी किससे करेगा? तब उसको अचानक से ऐसा लगता है कि इसी का से शादी कर सकती है, क्योंकि इसी का बहुत क्लोज़ है रूही की और इसी का जो है वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो इसके लिए जो है उसकी भी शादी नहीं हो रही थी और रूही की प्यारी सी बच्ची की माँ बन के वो भी बहुत मतलब खुश हो जाएगी, और उसने इसलिए ये शादी के बारे में हाँ भी कह दिया। तो दोनों एकदम ऑपोजिट्स है, लेकिन फिर भी रूही के लिए दोनों ने शादी कर ली और जो है फिर एक साथ हो गए। और धीरे 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 इनके बीच में जो है एक दूसरे को समझने लगे और प्यार हो गया। उसके बाद कहानी बहुत लंबी चली, शगुन भी बदल गया एक टाइम पे, रूही और आदि बहुत टाइम बाद जो है वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हुई, उनकी भी लाइफ दिखाया गया। रमन और इसिका काफ़ी बार पिछड़े थे, अलग हो गए थे, फिर वापस आए साथ में। तो ये सब तो था सीरियल में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग सीरियल है। सब डिटेल्स बताऊंगी तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में। लेकिन अगर आपको एक फैमिली वाला सीरियल चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग है। और दूसरी तरफ अगर आपको कुछ कॉमेडी भी पसंद है, तो जो ये साउथ इंडियन फैमिली और जो ये पंजाबी फैमिली दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, ये आपको काफ़ी क्यूट लगेंगे। इन दोनों की मम्मियाँ बहुत लड़ते हैं, तो ये भी आपको अच्छा लगा। और उसके बाद मोहब्बत, मोहब्बत तो है ही इसमें, इसके नाम में ही मोहब्बत है, तो ये भी आपको अच्छा लगा। और रूही की जो क्यूट सी बच्ची है, उसकी जो एक्टिंग है, मतलब सब बड़े लोग तो अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन रूही की जो एक्टिंग है वो ज़बरदस्त है। और ये है मिहिका, तो ये भी एक्चुअली इनका भी साइड स्टोरी बहुत अच्छा है, जो और भी लव स्टोरी साइड्स में चलते हैं, क्योंकि सभी के भाई बहन और भी है बहुत सारे, तो उन सब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से दिखाया गया है, उनकी लाइफ भी दिखाई गई है। तो सबकी लाइफ ही अलग है, डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।